Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The Allied School Class 2 Table Content New Countdown Revision Lecture. This is your book title. Revision questions हैं जिनको हम revise करेंगे. आप लोगों ने अपने syllabus complete कर लिया है. उसमें हम कुछ questions हम revise करेंगे जो कि आपके लिए important है और आपके question में paper में solve करने में आपकी help करेंगे. क्वेश्चन नंबर वन है, राइट द फॉलोइंग लेंथ्स इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स. अब कुछ आपके पास लेंथ्स गिवन है, आपने इनमें बताना है कि आपके पास मीटर क्या है और सेंटीमीटर क्या है. जैसे कि आप लोगों ने रीड किया हुआ है कि वन मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है, ठीक है. यानी वन मीटर 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल, 100 सेंटीमीटर्स आपके पास वन मीटर के इक्वल होगा. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मीटर्स और सेंटीमीटर्स को आपने जो है वो अलग अलग बताना है. अब यहाँ पे 246 सेंटीमीटर्स हैं, तो इट्स मीन 2 मीटर 46 सेंटीमीटर्स हमारे पास इसमें है, ठीक है. 2 मीटर्स कैसे हैं हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 246 सेंटीमीटर्स हैं. तो 200 मीन्स 100 और 100 सेंटीमीटर्स क्या बनेंगे आपके पास, 2 मीटर्स बनेंगे. और 46 आपके पास किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में. बी पार्ट है 138 सेंटीमीटर, 138 सेंटीमीटर्स है, तो 138 में आपके पास 1 मीटर एंड 38 आपके पास क्या होंगे, सेंटीमीटर्स. क्वेश्चन नंबर टू है, ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस बाय यूजिंग अ रूलर. आपने स्केल यूज़ करना है, ठीक है. उसकी मदद से आपने क्या करना है, लाइंस ड्रॉ करनी है, 5-7 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर की, ठीक है. आपने 1-7 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर की आपने जो है वो लाइंस ड्रॉ करनी है अपने स्केल की मदद से, ठीक है. प्रॉपर लाइन होने चाहिए. ये क्वेश्चन आप अपने रजिस्टर में सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट दीज. अब आपने इसको कंप्लीट करना है. केजी और ग्राम तो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं कि केजी और ग्राम, इसमें वो एडिशन कह रहा है कि आपने कैसे एडिशन करनी है. एडिशन आपको पता है, कह रहा है कि 12 केजी 487 ग्राम, 69 केजी 286 ग्राम आपने इसको ऐड करना है. अब एडिशन हम करेंगे, ग्राम ग्राम में ऐड होगा तो ग्राम ही आएगा, ठीक है. 7 एंड 6 को आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 7 में आप 6 प्लस करें 13 आपके पास आएगा, 3 एंड 1 कैरी, 8 में 8 प्लस करेंगे 16 और 1 जो कैरी था वो 17, 7 आ गया, 1 आपके पास आ जाएगा 4 के ऊपर कैरी, 4 में आप 1 प्लस करेंगे तो 5, 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 7. इसी तरह केजी आपके पास आ जाएगा, 9 में 2 प्लस करेंगे 11, 1 एंड 1 आपके जो है वो कैरी आएगा 1 के ऊपर, 6 और 1, 7 एंड 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 8. तो आप यहाँ पे क्या आ गया, 81 केजी 773 आपके पास ग्राम आ गया. बी पार्ट आपके पास है 95 केजी 245 ग्राम, 79 केजी 187 ग्राम. माइनस आपने करना है, माइनस करके आपने बताना है कि आपका क्या आएगा. माइनस मीन सब्ट्रैक्ट करना है आपने, 5 में से 7 ग्राम को आपने माइनस करना है, ठीक है. 5 में से 7 तो माइनस हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 जो है वो आपके पास क्या है, आपके पास स्मॉल नंबर है, और 7 आपके पास ग्रेटर है, बड़ा नंबर है. तो छोटे बड़े नंबर में से बड़ा नंबर कभी भी माइनस नहीं होता. आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, अगर आपके पास छोटा नंबर है तो आपको कैरी लेना होता है. तो 4 में से आप 1 यहाँ पर कैरी लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 15. 15 में से फिर आपने क्या करना है, 7 को माइनस. तो 15 में से आप 7 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 8. यहाँ पे अब आपके पास 4 नहीं है, ठीक है. 4 में से क्योंकि हमने 1 कैरी लिया था 5 पे, तो यहाँ पे आपके पास अब है 3. तो 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, ठीक है. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 3 स्मॉल नंबर है और 8 आपके पास ग्रेटर है, ठीक है. यहाँ से 2 में से 1 आप यहाँ पे कैरी लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 13. 13 में से आप 8 माइनस करेंगे तो 5. अब यहाँ पे आपके पास 2 नहीं है, यहाँ पे आपके पास 1 रहेगा रिमेनिंग, ठीक है. 1 में से 1 आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0. यानी 58 ग्राम आ गया. अब केजी की तरफ आते हैं, तो केजी आपके पास नीचे आएगा. तो 5 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि 5 आपके पास स्मॉलर नंबर है. 5 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो 9 में से 1 कैरी लेंगे तो 15 आ जाएगा. 15 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास 6 आएगा. 8 यहाँ पे रह गया आपके पास, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1. 16 केजी एंड 58 ग्राम आपके पास यहाँ पे माइनस करने के बाद आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 4,
नाउ सॉल्व दिस, अब इनको सॉल्व करना है हमने. अभी आपके पास कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें आप उसको वन से टू टाइम, ठीक है, आपने उसको रीड करना है. जब आप रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इसमें क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है आपने. क्वेश्चन नंबर फोर है, नाउ सॉल्व दिस. ए बार रेहान बाय 250 ग्राम ऑफ बिस्किट्स ऑन सैटरडे एंड 400 ग्राम ऑन संडे, व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ बिस्किट्स ही बाय. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि रेहान ने जो है वो 250 ग्राम बिस्किट्स बाय किए हैं सैटरडे को, और 400 ग्राम जो है वो संडे को उसने बाय किए हैं. व्हाट इज़ द टोटल, तो कह रहे हैं अब उसकी टोटल जो उसने वेट बाय किया है वो हमने बताना है कि टोटल वेट क्या है. तो आपने 400 ग्रेटर नंबर को ऊपर लिखा, 250 ग्राम आपने स्मॉलर नंबर को नीचे लिखा. हम इनको अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ग्राम ग्राम में ऐड होगा तो ग्राम ही आएगा, ज़ीरो में ज़ीरो प्लस करेंगे ज़ीरो, ज़ीरो में फाइव करेंगे तो फाइव, फोर में टू प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, सिक्स. तो 650 ग्राम जो है वो रेहान ने बाय किए हैं सैटरडे और संडे को मिलाने के बाद हमें पता चला कि टोटल वेट जो है वो उसने टू डेज़ में 650 ग्राम बिस्किट जो है वो बाय किए हैं. नेक्स्ट आया आपके पास बी पार्ट. अ रॉप इज 109 मीटर लॉन्ग, समीर कट्स ऑफ 17 मीटर, हाउ मच ऑफ रॉप इज लेफ्ट. अब 109 मीटर लॉन्ग जो रॉप है वो आपके पास थी और समीर ने उसको 17 मीटर जो है वो कट कर दिया उसमें से, तो वो कह रहे हैं कि लेफ्ट आपके पास कितनी है. तो लेफ्ट के लिए इट्स मीन हमने माइनस करना है 109 मीटर, 17 मीटर को हम माइनस करेंगे तो मीटर आपके पास आ गया. 9 में से 7 माइनस होगा तो 2, अब 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता तो यहाँ से 1 जो है वो हम कैरी लेंगे 0 के ऊपर, तो आपके पास क्या बनेगा ये 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, इट्स मीन 92 मीटर जो है वो आपके पास रॉप जो है वो आपकी लेफ्ट है. बेस्ट ऑफ लक, यहाँ तक हमने रिवाइज़ कर लिया. अब ये सारे क्वेश्चन जितना हमने पढ़ा है उसमें से हमने रिवाइज़ किया कुछ क्वेश्चन को, अब आपने इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज़ करना है और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर असेसमेंट. बहुत अच्छे तरीके से असेसमेंट करनी है एंड नीट एंड क्लीन असेसमेंट आपकी होनी चाहिए.